हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मूवी चेन्नई एक्सप्रेस। तो जी मैं तो सुर पूरे लगाऊंगी, रिजवान बेशक लगाए ना थोड़ा पुअर हूँ इसमें, कोई बात नहीं। तो जी मैंने ये मूवी जो है पहले नहीं देखी हुई। आपने? मैंने काफी अर्सा पहले देखी हुई है। मैंने नहीं देखी हुई है, बट आज जो है मैं स्पेसिफिकली इस मूवी को देखने लगी हूँ दीपिका पादुकोण की वजह से। यहाँ मुझे बहुत ज्यादा वो पसंद है। SRK को तो इग्नोर कर ही नहीं ना सकते, वो तो है ही है, लेकिन किंग खान है, लेकिन दीपिका जो है वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, शी इज सो प्रीटी। तो जी करते हैं स्टार्ट, पार्ट वन देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम इस मूवी को बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। इसकी रिकमेंडेशन भी आ रही थी काफी इर्द गिर्द से, इसके बारे में तारीफें सुनी हुई हैं। थोड़ा फन भी है, कॉमेडी है, फाइट भी है। वन मोर थिंग, इसकी कुछ शूटिंग जो है ना रामोजी फिल्म सिटी में भी हुई हुई है इस मूवी की, तो इस वजह से भी मुझे काफी ज्यादा शौक आ रहा है कि मैं वही सीन्स जो है दोबारा देखूं कौन कौन से रामोजी फिल्म सिटी में पिक्चराइज हुए हैं। करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है अमेजिंग, एंड तक जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक्चुअली शुरुआत से शुरू करते हैं। बचपन से मैं यहाँ इसी घर में अपने दादाजी दादी और मम्मी पापा के साथ रहता आया हूँ। 8 साल का हुआ तो मम्मी पापा की डेथ हो गई। मेरे दादाजी और दादी ने मुझे पाला। जब छोटा था तो जाहिर है कुछ ज्यादा ही क्यूट था, लोग मेरे गाल खींच खींच के कहते थे। और यही स्वीटनेस मेरे दादाजी का मेन बिजनेस भी था, वाई मिठाई वाला। मुंबई में ग्रीनरी से ज्यादा हमारी शॉप की ब्रांचेस थी। आधा किलो जलेबी पैक करना भैया जी। भैया जी, भैया जी, वाई मिठाई वाला। और दादाजी ने मेरी लव लाइफ में भी हमेशा टांग अड़ाई। कभी तो उनका कॉल आ जाता और कभी वो खुद मेंढक की तरह बीच में टपक पड़ते। रोमांस का चांस तो कभी मिला नहीं, तो शादी का क्वेश्चन टोटल लव। माना मेरे दादाजी सचिन तेंदुलकर के डाई हार्ट फैन थे, लेकिन खुद डाई वर्ड को लाइफ में अप्लाई ही नहीं किया। टाइम गुजरता चला गया, वो नहीं गुजरे, मेरे सारे रिश्तेदार अब्रॉड सेटल हो गए। और फिर साल 2013 मेरे दादाजी का 100th हैप्पी बर्थडे, सारे रिश्तेदार एक बार फिर इकट्ठा हुए। और हाँ, मेरी लाइफ की दो ट्रेजेडीज भी आई थी, मेरे दो दोस्त बॉबी और सलीम। हाय राहुल। हाय। ऑल सेट फॉर गोवा? गोवा? अच्छा, वहाँ जाके डोंट बी नॉटी एट 40। हाँ, और तुम दोनों अपने काम से काम रखना। तनु, जरा ये डेकोरेट करने में हेल्प करो ना। ए, ये क्या नया चक्कर है तुम लोगों का? हाँ, तुम लोगों का नहीं, हमारा नया चक्कर। हाँ राहुल, बर्थडे दादाजी का है लेकिन गिफ्ट हम तेरे लिए लाए हैं। और डिनर आई लड़कियां, बात हो गई है मेरी, गोवा में उनके साथ 6 days 7 nights पैकेज फिक्स। कैसे दोस्तों यार, और वो भी एक हफ्ता? दादाजी मुझे एक हफ्ता कैसे जाने देंगे? सलीम, तू आता हूँ। ये तो इडियट है, इडियट तो तू भी। राहुल, अब इधर आ, इधर आ। दादाजी, अरे मियाँ, आप जरा मेरे साथ आइए। हाँ दादाजी, गिफ्ट लाया मेरे लिए। वो आपने विमल भैया, रेनू दीदी, दूसरों के गिफ्ट सभी खोले नहीं? वो दूसरों के हैं, अपनों के नहीं। 100 का होने वाला हूँ, 100% की बात करूँगा। वो लोग मुझे चाहते हैं क्योंकि रिश्ता है, तू मुझे चाहता है इसलिए तो ये रिश्ता है। सोचता हूँ मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा राहुल। अरे नहीं दादाजी, ये लो, मैं भी जाने की बात करने लगा। अभी मेरी उम्र ही क्या है, 20-25 साल बाद की बात आज क्यों करें। चल ला, दिखा। अरे ऑटोग्राफ सचिन का। सचिन का ऑटोग्राफ किया हुआ मैट, बाउंड्री से मार कर। अरे घुमा ना दादाजी, राहुल का आइडिया है, क्यों ना आपकी एक फ्रेंचाइजी गोवा में भी खोल दें? खोल दो। अरे टुकुर टुकुर क्या खेल रहा है? अरे दादाजी, हमने तो पंजिम में एक कमाल का प्लॉट भी देख लिया है। दादाजी, वो हम राहुल के साथ प्लॉट फाइनल करने जाएं? जाओ। अरे आइला सचिन, मात बाउंड्री के बाहर भेज, परमिशन मिल गई है। छक्का, अरे सचिन 99 पे, सचिन 99, पुटी सचिन 99। Thank you.
कैच आउट। क्या दादी, सेंचुरी के लिए इतना क्या रिएक्ट कर रही हो? इट्स जस्ट अ गेम, फिर बना लेगा। दादाजी गए? दादाजी को तो नहीं कुछ हो गया। दादाजी, दादाजी और सचिन दोनों 99 पे आउट हो गए। बर्थडे से पहले सैड यार फीलिंग थी। लेकिन फिर मैंने कुछ पढ़ा कि हर इंसान की मृत्यु उसके जन्म से पहले ही तय होती है। मैंने सोचा कि अगर जो चीज होने वाली थी वही हुई है तो फिर क्या फर्क पड़ता है। After all, दादाजी भी ऑल इंडिया रेडियो के जमाने से ट्विटर तक जिंदा रहे, एक अच्छी खासी उम्र जी कर गए। बस एट दैट वेरी मोमेंट मैंने डिसाइड कर लिया, गोवा इज ऑन। दादी जी, मैं लाइफ में कुछ और करना चाहता हूँ, जो मेरा दिल कहता है वो करना चाहता हूँ। अब ये वाई वाई मिठाई वाला मुझसे हैंडल नहीं होगा। हेलो वाई वाला। मेरे भी कुछ सपने, अब तक सिर्फ अपनी उम्र को लेकर आगे निकला, लेकिन अब दुनिया देखना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। दादी जी, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, प्लीज। राहुल, प्रॉपर्टी के साथ साथ तू अपनी मर्जी का मालिक भी बन गया है, तुझे अपनी जिंदगी जैसी जीनी है जी, कौन रोकता है तुझे? पर देख, तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ कहिए दादी जी। तेरे दादाजी की आखिरी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनकी अस्थियों का आधा हिस्सा गंगा में बहा दिया जाए और दूसरा आधा हिस्सा रामेश्वरम में। रामेश्वरम? हाँ, गंगा में तो मैं अंशु के साथ जाके बहा दूंगी, मगर अस्थियों का दूसरा हिस्सा तुझे रामेश्वरम जाके बहाना पड़ेगा। दादी जी, मुझे। हाँ, तुझे, ये तेरे दादाजी की आखिरी इच्छा थी, तुझे पूरी करनी पड़ेगी। ओ, रामेश्वरम तो इंडिया के एकदम एंड में है यार, वो भी बैंक ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ गोवा। एक मिनट गाइस, सलीम इधर दे, इधर दे। गोवा का पानी फ्लो होकर रामेश्वरम ही पहुंचता होगा, क्या है ना? मतलब राहुल, गोवा में अगर दादाजी की अस्थियां बहा दी जाएं, तो वो फ्लोट होकर इवेंचुअली रामेश्वरम ही पहुंचेगी ना। या यार, लेकिन गोवा nice का रामेश्वरम का? अरे गोवा यहाँ, रामेश्वरम यहाँ, बहुत दूर है। यानी गोवा इज ऑन। आ रहा हूँ। हाँ बॉबी, चेंज ऑफ प्लान। क्या तू गोवा तो आ रहा है ना? ऑफ कोर्स आ रहा हूँ, लेकिन दादी जी को चकमा देने के लिए हमें जर्नी ट्रेन से शुरू करनी पड़ेगी। क्या? अरे यार, दादी जी मुझे सी ऑफ करने आ रही हैं, तो मैं अगले 2 घंटे में कोई भी साउथ इंडिया जाने वाली ट्रेन का टिकट कटवा लूंगा, उसमें चढ़ जाऊंगा, लेकिन बीच में कल्याण स्टेशन पर उतर जाऊंगा। तुम लोग वहां पर मेरा इंतजार करना और वहां से हम लोग बाय रोड निकल जाएंगे। दादी सुनना ले। व्हिच मींस गोवा इज ऑन। देखते हैं क्या बंद। ऊप्स, अच्छा मुझे लगा सुन लिया। इस तरह चीट नहीं करना चाहिए। चेन्नई एक्सप्रेस। अरे चेन्नई एक्सप्रेस? जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस। जहाँ तक मुझे पता है, चेन्नई एक्सप्रेस तो रामेश्वरम नहीं जाती। आप समझी नहीं ना, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं दादाजी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहता हूँ, तो मैं रॉन्ग रूट नहीं, लॉन्ग रूट लेके जा रहा हूँ। और मैं चेन्नई में उतर के बाय रोड दादाजी को रामेश्वरम ले जाऊंगा। राहुल, तुझे पता है मैं दादाजी की अस्थियां लेकर गंगा क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ किसी पे भरोसा नहीं रहा, मगर तुझ पे मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी श्रद्धा के साथ तू अपने दादाजी की अस्थियां रामेश्वरम में बहा देगा। तो जाना चाहिए। इतने यकीन के साथ से। दादी जी को झूठ बोलते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब तो बोल दिया था। हेलो, कहाँ है तू राहुल? यार हम लोग कल्याण पहुंच चुके हैं। हाँ बस अभी ट्रेन में बैठा हूँ, दादी जी को बाइक लेके पहुंच रहा हूँ। कल्याण,
पहुंच गया। ओह राहुल यार, कहाँ रह गए थे तू? अरे आ तो गया ना, सबर का फल मीठा होता है। अब तो ऐश ही ऐश। यस ऐश ऐश। अब क्या हुआ? ऐश अस्ति दादाजी। ऐश राहुल राहुल दादाजी राहुल। यार क्या अमेजिंग स्टार्ट हुआ है ना। फर्स्ट क्लिप भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और उसी में हमने इतना कुछ देख लिया, ऐसे लगा मतलब पहले वो सारी बचपन से लेके स्टोरी। मुझे काफी ज्यादा ये भी अच्छा लगा देख के कि फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो एसआरके को इसके अंदर दिखाया हुआ है, वरना वो हलवाई वाली शॉप सुन के मुझे लगा कि शायद। लेकिन उन्होंने कहा कि इतनी ग्रीनरी नहीं है मुंबई में, आई गेस जितनी ब्रांचेज हैं। तो वो मतलब दादाजी भी सेंचुरी मारने वाले थे, अगर सचिन 100 कर देता ना 100 तो शायद दादाजी हाँ। भी वो उनको लगता है सदमा इतना लगा सचिन का कि वो बेचारे अभी केक और कैंडल्स और सब कुछ ऐसे ही पड़ा था यार। लेकिन वो थोड़ा सा सैड मोमेंट था। मैं कहती हूँ कि बेशक कोई 100 का है या 100 साल ऊपर का भी है यार, जाने का दिल नहीं करेगा हाँ, किसी का ये दुनिया छोड़ने का दिल नहीं करता। और हमारे जो अपने होते हैं हम भी नहीं चाहते कि वो बेशक 100 क्या 100 से ऊपर के हो गए हमें छोड़ के जाए। और दादाजी ने क्या कहा था कि तू क्या गिफ्ट लाया, ये मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी। काफी अच्छे डायलॉग्स थे। लेकिन ये है कि उनके साथ जो है ना वो ऐसा की लाइफ काफी ज्यादा ऑक्यूपाइड थी, वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, हर सीन जो है वो दादा अबू खराब कर देते होते थे। तो अभी तक उन्होंने अपनी लाइफ नहीं एंजॉय की थी, आई गेस 40 के हो गए थे हाँ। तो सैड तो वो काफी ज्यादा हुए, लेकिन जब दादाजी की वो सारा आखिरी रसूमात हो थी ना तो ऐसा करके काफी ज्यादा सैड हो गए थे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कहीं मैंने लिखा हुआ पढ़ा कि जो जिसने जाना होता है मतलब उसका वो वक्त उसी टाइम डिसाइडेड होता है, उसके पैदा होने के वक्त ही उसके मरने का वक्त भी डिसाइडेड होता है। तो और दादी जी ने भी सही वो एंड पे कहा कि आपके दादाजी की विश है कि आपने वो अस्थियां का कुछ हिस्सा गंगा में और कुछ रामेश्वरम। अच्छा मैंने फर्स्ट टाइम ये नाम सुना है, गंगा का तो मैंने सुना ही था लेकिन मुझे लगा था शायद जमुना कहेंगे। हाँ गंगा जमुना ये पूरा हमने सुना है ना वर्ड, लेकिन रामेश्वरम मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना। और मेरे ख्याल से ये जो इन्होंने रेलवे स्टेशन और ये सारा रेल जंक्शन वो दिखाया है ना, ये रामोजी फिल्म सिटी में ही था ये सेट था सारा, जिसको मैं देखना चाहती थी कि यार किस तरह से मतलब वहाँ पे सारा क्राउड और ये सारा कुछ जो है ना ये नकली वहाँ पे सब कुछ इकट्ठा करते हैं। तो अभी है कि गोवा का सफर तो स्टार्ट होने ही लगा था, लेकिन अस्थियां जो है वो वापस ट्रेन में रह गई हैं, तो ट्रेन तो चलने लगी होगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्लिप में क्या होगा ना, इधर से ही वो एक क्यूरियोसिटी से डेवलप हो गई है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जी आई होप सो आपको रिएक्शन पसंद आया, अगर रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।